बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की। वंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी ना। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री महामति कहे ऐ मोमिनो, देखो ताल पाल के वन, एली जो तुम दिल में करत हो रोशन, करत हो रोशन। हौज कोसर ताल जित जोए कोसर मिली, अब कहूँ मैं ताल की। प्राणेश्वर अक्षरातीत ने इस परिक्रमा ग्रंथ में यह दर्शाया है, आपको भी ये सुनकर आश्चर्य होता होगा कि जैसे इस संसार में नदियां हैं, पर्वत हैं, बड़े बड़े महल हैं, परमधाम में भी ऐसा ही कुछ है, तो फिर इस संसार से और परमधाम में क्या अंतर रह गया? ये जिज्ञासा होती है। पुराण संहिता के अंतर्गत भी व्यास जी के मन में जिज्ञासा होती है और भगवान से उसका समाधान करते हैं कि परमधाम में जिस रंग महल का वर्णन किया गया, पुखराज का वर्णन किया गया, मानिक पहाड़ का वर्णन किया गया, अब जो प्रसंग चल रहा है हौज कोसर का वर्णन, यदि आपको सामान्य रूप से बताया जाए कि यमुना जी पुखराज पर्वत से निकलकर और हौज कोसर में गिरती हैं, यमुना जी के किनारे 7 घाट आए हैं, 10 धाराएं हैं, तो आपको कुछ अजीब सा लगेगा कि क्या यही परमधाम है? एक पर्वत से नदी निकलती है और एक कुंड में समा जाती है, ताल में समा जाती है, फिर उसको ब्रह्मधाम कैसे कहेंगे? आपकी बुद्धि ये दौड़ लगाएगी कि हो सकता है इस संसार में जो कुछ पर्वत है, नदियां हैं, महल है, मनुष्य के बनाए हुए हैं या प्रकृति ने स्वाभाविक रूप से रचा है, ये जड़ है, वो चेतन होंगे, परमधाम के पदार्थ या लीला रूप जितनी सामग्री होगी उसमें प्रकाश निकल रहा होगा, अन्यथा हम परमधाम की एक नकल इस संसार में भी देख सकते हैं। लेकिन बात ये नहीं है। परमधाम क्या है इसको समझने के लिए मैं एक दृष्टांत देता हूँ। एक चित्रकार था, उसने पूरे मन से एक सुंदर चित्र बनाया और अपने एक मित्र को भेंट दिया। उस मित्र ने उस चित्र को लेकर के दीवार में कील ठोक दी थी और उस चित्र को टांग दिया था। कुछ दिनों के बाद चित्रकार जब उसके घर पहुंचता है तो देखा कि मेरे चित्र पर इसने कील धसा रखी है। चित्रकार बहुत व्यथित हुआ और अपने मित्र से कहा कि मित्र, तुमने जो ये कील धसाई है चित्र में नहीं धसाई है, मेरे हृदय में धसाई है, क्योंकि मैंने अपने हृदय की सारी कला को इस चित्र में संयोजित कर रखा है। बस इतनी सी बात समझ लीजिए कि जो सारा परम धाम है अक्षरातीत के हृदय का व्यक्त रूप है। हृदय में क्या होता है आप कैसे आकलन कर सकते हैं कि हृदय में क्या है? किसी के हृदय में करुणा है, किसी के हृदय में दया है, किसी के हृदय में प्रेम है, किसी के हृदय में भक्ति है। करुणा दिखाई नहीं देती आंखों से क्योंकि करुणा अनुभव का विषय है। प्रेम जब लीला में व्यक्त होगा तभी दिखाई देगा,
हृदय में छिपी हुई घृणा या प्रेम करुणा दया के भावों को जब तक किसी माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता है, ये जाना नहीं जा सकता। जापानियों का कथन है कि संसार में कोई भी कुरूप वस्तु नहीं है। हम हिंदुस्तानी गोरे के आधार पर सुंदरता का निरूपण करते हैं, काले गोरे के आधार पर सुंदर और कुरूपता का निर्धारण करते हैं, लेकिन कुछ विदेशी मान्यताओं की विचारधारा ये है कि संसार में कुरूप कोई भी वस्तु नहीं है। जैसे एक हिंदुस्तान में रहने वाला अपने को अफ्रीका के हब्सियों से ज़्यादा सुंदर मानता है, लेकिन वही व्यक्ति जब विदेश में जाता है, इंग्लैंड की धरती पर जाएगा, तो उसको उतना सुंदर नहीं कहा जाएगा। ये किसकी सुंदरता है? चमड़े की सुंदरता है। कोई शरीर से सुंदर हो लेकिन मन से सुंदर ना हो, मन में विकार भरे रहते हैं, किसी अपराध में फंसता है, तो लोग क्या कहते हैं कि ये व्यक्ति ऊपर से सुंदर है, अंदर से सुंदर नहीं है। ऐसा यदि हो जाए कि अंदर भी सुंदरता हो और बाहर भी सुंदरता हो, तो बात कुछ और होती है। कहने का से क्या है, सौंदर्य का पहला स्थान कहाँ है? हृदय में। वही हृदय जब व्यक्त होता है, एक घटना है, एक अमेरिकन दंपति भारत आए, किसी झुग्गी बस्ती से होकर के गुजर रहे थे। उस घर में उन्होंने झोपड़ी में दृश्य देखा कि एक स्त्री काले रंग वाली है, गरीब घर की है, अपने छोटे छोटे बच्चों को रोटी बनाती जा रही है, उनको परोसती जा रही है। उनकी उसके परोसने में इतनी निश्चलता थी कि वो दोनों अमेरिकन दंपति खड़े होकर के देखने लगे, फिर उससे बात करने लगे। वो अनपढ़ महिला थी, अंग्रेजी तो जानती नहीं थी, लेकिन दोनों अंग्रेज दंपति उसके मनोभावों को समझते थे और खुशी खुशी आकर के बैठ गए, उसके चूल्हे में आ गए कि देखते हैं कि महिला करती क्या है। पुनः ऐसी स्थिति आ गई कि महिला ने उनको भी खाने का निमंत्रण दे दिया और इतने प्रेम से परोसा कि अमेरिकन दंपति गदगद हो गए। वो भाषा नहीं समझ पा रहे हैं, हृदय की भाषा समझ रहे हैं। वो देख रहे हैं कि यह महिला शरीर से सुंदर नहीं है लेकिन मन से सुंदर है, इसलिए उसके अंदर उन्होंने एक सौंदर्य का आभास किया। वही है, आप इस प्रकृति में जो सुंदरता दिख रहे हैं, देख रहे हैं, आप देखते हैं ना, फूल कितने सुंदर होते हैं, पर्वतों पर जमी हुई बर्फ सुंदर दिखाई देती है, सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उस पर्वत सोने का दिखाई देने लगता है, ये प्रकृति की सुंदरता है। चंद्रमा की सुंदरता देखिए, मनुष्यों के शरीर में भी सुंदरता है, सौंदर्य दिख रहा है। एक से एक प्रकार के सुंदर पशु पक्षी हैं, सौंदर्य और कुरूपता इस संसार में दोनों साथ साथ दिखाई देती है। अच्छे अच्छे भवन भी आपको इस संसार में दिखते हैं जब आप प्रकृति की सुंदरता में मुग्ध हो जाते हैं। जैसे सूरज उगता हो, सूरज डूबता हो, उस समय क्या दिखता है संसार में? ऐसा लगता है कि सारी प्रकृति ने अपना श्रृंगार कर लिया है। चाहे सावन का महीना हो या बसंत ऋतु में फूलों की बहार देखिए, ऐसा कौन चित्रकार है जितने इतने असंख्य फूलों का निर्माण किया है? आदि नारायण के हृदय में जो प्रेम की चाहत है, आदि नारायण के हृदय में जो सौंदर्य का रस है, आदि नारायण के हृदय में जो करुणा है, दया है, वही तो इस सारी सृष्टि में दिखाई पड़ रही है। तो आप सोचिए, आदि नारायण किसका स्वरूप है? अक्षर का स्वप्निक मन है, और अक्षर से भी परे कौन है? अक्षरातीत। अक्षरातीत के हृदय में जो प्रेम है, एकत्व वहदत है, अक्षरातीत के हृदय में जो सौंदर्य है, ज्ञान है, जो कुछ है वही परम धाम के 25 पक्षों के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। जैसे इस सृष्टि में कहीं भी चले जाइए, क्या कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो स्वयं को नारायण की सत्ता से अलग कर सकता है? जब इस सत्ता का भेद पता नहीं चलता तो हार करके इस संसार के मनुष्य कह देते हैं कि इस सृष्टि के कणकण में परमात्मा है। वो परमात्मा किसको मानते हैं? नारायण को। अक्षरातीत भी नारायण को मान लेते हैं, अक्षर भी नारायण को मान लेते हैं, क्योंकि क्षर अक्षर अक्षरातीत का भेद उनको मालूम नहीं है।
चाहे वेद पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, दर्शन पढ़ें, गीता पढ़ें, कुरान पढ़ें, बाइबल पढ़ें, क्षर अक्षर अक्षरातीत तीनों को एक एक में ही गड्ढम कट कर देते हैं, मिला लेते हैं। हमारे पास तारतम ज्ञान की विवेक दृष्टि है। तारतम ज्ञान से हम जानते हैं कि इस प्रकृति से परे परम धाम है। आज से लगभग 32 वर्ष पहले मुझे एक किताब मिली थी, वेद के विद्वान ने एक लिखी थी, उसका नाम था परम धाम की ओर। मैंने उस समय अभी तारतम नहीं लिया था, हाँ लेकिन सुंदर साथ से कुछ संपर्क में था। मुझे योग माया का ज्ञान तो था। मैंने जब परम धाम की बात सुनी तो उस किताब को खरीदा, लेकिन उसमें परम धाम का कोई वर्णन नहीं था। वेद के उस विद्वान ने इस भावना से ग्रंथ लिखा था कि परम धाम सर्वत्र है, ब्रह्मानंद की जो अनुभूति होती है वही परम धाम है। संसार के पास इस प्रश्न का समाधान नहीं है कि परम धाम है कहाँ। दो विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा कहती है कि परम धाम इस माया से परे है। एक विचारधारा कहती है कि सृष्टि में ही परम धाम समाया हुआ है, क्योंकि जो ब्रह्मानंद की अवस्था को प्राप्त कर लेता है वो कहीं भी रहेगा उसको ब्रह्मानंद की अनुभूति होगी। कोई परम धाम अलग से बना हुआ नहीं है। लेकिन यदि हम तारतम ज्ञान की दृष्टि से वेद के मंत्रों पर चिंतन करें तो वेद में तो कहा गया है सभूमि सर्वतो स्पृत्वा तिष्ठत दशांगुलम, यानी वह ब्रह्म जो है परब्रह्म इस ब्रह्मांड से भी परे है। यह सारी सृष्टि ब्रह्म के एक पाद में है और जो त्रिपाद अमृत है इसके परे है। और त्रिपाद अमृत क्या है? प्रकाशमय है, चेतन है और अखंड है। वेद कह रहे हैं कि जो परम धाम है त्रिपाद ऊर्ध उदयित पुरुष परम धाम इसके भी परे है। परम धाम में विराजमान अक्षरातीत इसके भी परे है। ये वेद का संकेत तो है, लेकिन मनीषी जन सृष्टि को अनंत मानते हैं। हाँ, जो वेद का चिंतन करने वाले हैं वे अवश्य कह देते हैं कि ये जितनी मनुष्य सृष्टि की कल्पना कर सकता है सृष्टि उससे भी अनंत है। लेकिन इस अनंत सृष्टि से भी परे ब्रह्म का स्वरूप है, जहाँ ब्रह्म का अखंड विहार है, अखंड लीला है। यहाँ पर जाकर मनुष्यों का चिंतन मौन हो जाता है। कैसा है ये नहीं बता पाते। उनसे पूछा जाए कि आखिर ब्रह्मानंद होता कैसे, ब्रह्मानंद को पाने का साधन क्या है, तो वो ये उत्तर देते हैं कि जो ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा, जो जैसा संकल्प करेगा वैसा ही आनंद उसको प्राप्त होता जाएगा। पूछा जाए पुनः वो आनंद कहाँ से आएगा, तो कुछ मौन रहना पड़ता है। कहते हैं कि ब्रह्म जो प्रकृति में सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में विद्यमान है उसी के माध्यम से वह आनंद प्राप्त होता है। यहाँ पर जाकर तर्क वितर्क की शक्ति समाप्त हो जाती है। मनुष्य मौन होकर के बैठ जाता है कि कौन इस पचड़े में पड़े कि परम धाम कहाँ है। बस इतना मान लेते हैं कि परम धाम त्रिगुणातीत है। आप सोचिए, अक्षरातीत आपको अपने हृदय का दर्शन कराना चाह रहे हैं, परम धाम दिखाना चाह रहे हैं। आप केवल चर्चनी पढ़ लीजिए तो आपको 25 पक्षों का ज्ञान तो हो जाएगा कि हौज कौसर कैसा है, चारों घाटों की शोभा आपको मालूम हो जाएगी, रंग बल नौ भूम दसवीं आकाशी का ज्ञान हो जाएगा, एक एक भूमिका का आप ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, एक एक भूमिका में क्या लीला होती है इसकी भी जानकारी प्राप्त कर लेंगे, आठों सागरों की जानकारी प्राप्त कर लेंगे और आठों सागरों के बीच में जो भूमि आई है उसकी भी जानकारी प्राप्त कर लेंगे, मानिक पहाड़ के हिंडोले चाहे 24 हाँस का माल हो, जवेरव के माल हो, सब कुछ आपकी जबान पर चल जाएगा। लेकिन आपके मन में एक संशय जरूर बना रहेगा कि इस संसार से कुछ विचित्र प्रकार का है। जब इस संसार में भी परम धाम के नक्शे का कुछ आधार लेकर हम कोई भवन बनाते हैं तो आप क्या कहते हैं, हमने परम धाम के आधार पर इस भवन को बनाया है। आप सोचिए, परम धाम जितना बड़ा आप सोचते हैं वैसा ही नहीं है। इंतहाए नहीं अर्शभूम का सब चीजों नहीं सुमार, कोई सीमा नहीं है। आप रंगमहल का क्षेत्रफल माप करते हैं, किस तरह से रंगमहल की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ आप मापते हैं,
चाहे मानिक पहाड़ की भी बात करते हैं, बड़ी रंग की हवेलियों की माप करते हैं, आप कह देंगे कि पूरा रंग महल मानिक पहाड़ की हवेली के एक थंबे में समा जाएगा, पूरा मानिक पहाड़ बड़े रंग की हवेलियों के एक थंबे में समा जाएगा। हमारी बुद्धि को संतोष देने के लिए बस ये बातें बता सकते हैं। लेकिन परम धाम के एक हाथ में, एक हाथ समझ लीजिए, कोष की बात छोड़िए, मैं समझता हूँ ये आपकी सारी पृथ्वी समा जाएगी। जिस परम धाम को आप 50 करोड़ योजन में सीमित कर देते हैं चर्चनी के अनुसार, उस परम धाम की गणना में सृष्टि को बनाने वाला नारायण भी समर्थ नहीं है, क्योंकि यदि उसकी माप बता दी गई तो अक्षरातीत के हृदय की माप हृदय को किसी ने माप लिया, और अक्षरातीत के हृदय को तो स्वयं परम धाम की ब्रह्मात्मा क्या स्वयं अक्षरातीत भी व्यक्त नहीं कर सकते। क्यों? अनंत को मापने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। अक्षरातीत अनंत शक्ति वाले हैं तो अक्षरातीत का हृदय भी अनंत महिमा वाला है, अनंत सौंदर्य वाला है, अनंत अनंत को भी व्यक्त कर देगा तो वो तो अनंत रहेगा ही नहीं। आप पृथ्वी का नक्शा एक छोटे से कागज के पन्ने पर बना लेते हैं, सौर मंडल का नक्शा भी कागज के पन्ने पर बना लेते हैं, उसी कागज के पन्ने पर एक गांव का नक्शा बनता है, एक भवन का नक्शा बनता है, एक गैलेक्सी का नक्शा बनता है, और एक सृष्टि में सारी जितनी गैलेक्सियां हैं उसका एक आधारभूत नक्शा तैयार हो जाता है। उसी तरह से अक्षरातीत के हृदय में जो अनंत प्रेम उमड़ रहा है उसको दर्शाने के लिए उन्होंने 25 पक्षों के रूप में अपने हृदय का प्रेम व्यक्त किया है। आप सोचते हैं, क्योंकि वर्णन किया अर्श का, ले मसाला इत का, इस संसार में जो कुछ होता है उसी के आधार पर परम धाम का वर्णन कर दिया गया है, तो आपने भी सोच लिया कि सब सचमुच ऐसा ही है। जैसे अब परिक्रमा में पढ़ते हैं, श्री राज उतारे बस्तर पहनी पिछोरी कमर पर, ये 300 वर्ष पहले की वाणी उतरी है, और उस समय गाँव में या धार्मिक समाज में जब भोजन किया जाता था तो वस्त्र उतार लिए जाते थे कि जूठन ना गिरे, उस आधार पर वर्णन हो गया है। ऐसा न समझिए कि परम धाम में सचमुच राज उतारे वस्त्र पहनी पिछोरी पर कमर पर, एक कर्मकांड का पालन करने के लिए राज्य बाध्य नहीं है। आप एक महीने का हिसाब लगाकर गणित बैठा देते हैं, आज राज्य पाठघाट जाएंगे, आज इस सागर की यात्रा में जाएंगे, आज मानिक पहाड़ जाएंगे, आप पुखराज पहाड़ जाएंगे। केवल इसलिए ऐसा आपको बताया गया है कि इसी बहाने 25 पक्षों की लीला आपके हृदय में बस सके। आपको 7 घाटों में संतुष्ट करा दिया जाता है, यमुना जी की 10 धाराएं वर्णित कर दी जाती हैं। आप ये मत समझ लीजिए ये हौज कोसर कोई पानी का कुंड है और उसकी शोभा का वर्णन किया जा रहा है, ये वास्तव में वैसा दिख रहा है, लेकिन किस रूप में दिख रहा है इसको एक सैद्धांतिक रूप से समझना होगा। पुराण संहिता में प्रेम की 10 अवस्थाओं का वर्णन है, 10वीं अवस्था का परिणाम क्या होता है, शरीर छूट जाता है। और आप जानते हैं यमुना जी कोई पानी की धारा नहीं है, दिख रहा है कि पानी की धारा है, जैसे ये दिल्ली वाली यमुना जी है, दिल्ली वाली यमुना में से तो दुर्गंध भी आती है। आप कहेंगे कि कनाडा में जो जल के प्रपात होते हैं, विदेश की नदियाँ होती हैं, बहुत स्वच्छ होती हैं, या भारत में भी गंगोत्री का गोमुख का जल बहुत पवित्र होता है, बिल्कुल साफ। आप ये समझिए यमुना जी के जल को कैसा कहा गया है, दूध से भी करोड़ों गुना उजला और मिश्री से भी मीठा। उजला का अर्थ क्या होता है, श्वेत रंग में कोई दाग नहीं पड़ता। अक्षरातीत के हृदय का प्रेम दूध से करोड़ों गुना उज्ज्वलता यानी निर्विकारता को लिए हुए है। जैसे रास ग्रंथ को पढ़ें तो रास की लीलाओं को देखकर सामान्य व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, वो सोचता है कि राज्य भी ऐसा करते हैं तो ये तो संसार के लोग करते हैं। कुछ शब्दों का अर्थ समझ में नहीं आता, जैसे रास में चपाई थे मोहे पीटे थे अति काम, तो काम का विकृत अर्थ ले लिया गया। यदि राज्य काम से पीड़ित हो रहे हैं तो फिर सृष्टि को कुछ कौन चलाएगा। जो योगी महात्मा होते हैं वो काम को जीत लेते हैं,
राज में क्यों लिखा गया कि मोहि पीटिए ते अति काम मकरंद जोर करे रे, ये समझना होगा यहाँ काम का अर्थ क्या है, दिव्य इच्छा। अक्षरातीत के हृदय में जो अनंत प्रेम है वो दूध की उज्ज्वलता से भी अनंत गुना पवित्र है। और मिश्री से मीठा कहने का तात्पर्य क्या है, उस प्रेम में माधुर्यता है, माधुर्यता की पराकाष्ठा है। आप सोचिए चर्चनी जब हमको बताई जाती है तो कहा जाता है कि जो बंदर हैं दो पैर, आप भोग लगाते हैं ना तो कहते हैं सैया के तिक वन में जावें और सब क्या क्या सब लाते हैं। आप ये भी बोलते हैं कि बंदर ला ला करके देते हैं लेकिन बेचारे रंग महल में नहीं घुस सकते। मैंने इस प्रसंग को कुछ बार चर्चा में कहा है, पुनः कह देता हूँ कि उन बंदरों के रूप में कौन है, कभी आपने सोचा है? खिलौने जो हक्के सो दूसरा क्यों कहलाए, ये दूसरा तो कहलाए जो होवे कोई इब्तदाए। परमधाम में बंदर कहाँ से आ गए, पशु पक्षी कहाँ से आ गए, वहां सवारी कौन कर रहा है? जो माधुर्यता का सागर है, प्रेम का सागर है, अपनी अंगनाओं को अपनी पीठ पर बैठाता है, वही लाला करके फल फूल ला करके वो सखियों को देता है। सखियों को ये पता नहीं है कि जिस राज्य को हम रिझाते हैं वही राज्य पशु पक्षी के रूप में हमको रिझा रहे हैं। जिस दिन हमें ये भेद पता चल जाएगा कि अक्षरातीत ने अपने हृदय को व्यक्त करने के लिए ये सारे रूप धारण किए हैं, उसी दिन से हमें परिक्रमा पूरी तरह से समझ में आएगी। अन्यथा परिक्रमा को बाह्य रूप से देखेंगे तो लगेगा कि ये तो गणित का हिसाब किताब है, इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतनी हवेलियाँ, इतने फवारे, इतने दरवाजे, इतनी खिड़कियाँ, ये क्यों किया गया है? इसका भी एक विशेष कारण है। कुछ लोगों का मस्तिष्क तर्क प्रधान होता है, किसी का मस्तिष्क गणित प्रधान होता है, किसी का मस्तिष्क भाव प्रधान होता है। जो भाव प्रधान वाले हैं वो प्रेम में डूबना पसंद करते हैं, उनको गणित पसंद नहीं आती। जो तर्क प्रधान वाले हैं उनको फिलॉसफी अच्छी लगती है, दर्शन शास्त्र। और जिनको गणित प्रधान होता है, गणित की प्रधानता होती है, वे लंबाई चौड़ाई गणना करने में ज़्यादा माहिर होते हैं। उनके लिए परिक्रमा में गणना की प्रक्रिया अपनाई गई है, इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतने फवारे, इतनी खिड़कियाँ, इतने दरवाजे, इतना लंबा चौड़ा, हाँ सब कुछ उनके लिए। किसी न किसी बहाने से तर्क प्रधान वालों को भी कुछ मिल जाए, भाव प्रधान वालों को भी मिल जाए, और जो गणित की प्रक्रिया से गुजरने वाले हैं उनको भी कुछ न कुछ मिल जाए, सबके हृदय में परम धाम गूंज जाए। इसी कारण से परिक्रमा ग्रंथ को तीन प्रकार के भावों से व्यक्त किया गया है। कुछ सुंदर साथ सेवा प्रधान वाले हैं, उनके लिए अष्टपहर की लीला दर्शाई गई है। इसका आशय क्या है, हम किसी तरह से अक्षरातीत के हृदय से जुड़ जाएं। उठते बैठते सुपन सोवत जागृत, दम न छोड़े मासूक को जाके सलक निस्बत। परिक्रमा के ग्रंथ के बाद सागर ग्रंथ का अवतरण किया गया है। जैसे कि मैं कह रहा था, गणित प्रधान हो, तर्क प्रधान हो, भाव प्रधान हो, सेवा प्रधान हो, हर स्थितियों से आपको परम धाम के 25 पक्षों का दर्शन कराया जा रहा है। आप सोचिए, यमुना जी को कह दिया गया, यमुना जी का जल दूध से भी उजला, मिश्री से भी मीठा है, उसके किनारे 7 घाट आए हैं। यदि आप केवल 7 घाटों की सीमा मान लें, केले, वही अनार, अमृत, जामुन, नारंगी और बट को नाम के नाम पर, तो ये सारे वृक्ष तो केवल भारत में होते हैं, कनाडा में ये वृक्ष नहीं होते। केले का पेड़ वहाँ नहीं उगेगा, लिबोई भी नहीं होगा, आम भी नहीं होगा, बट भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ की जलवायु इन पौधों को संरक्षित करने में सक्षम नहीं है, सब बर्फ में गल जाएंगे। तो क्या परमात्मा केवल भारत वालों का है? क्या सुंदर वृक्ष भारत में ही केवल होते हैं? ईरान में भी एक बहुत सुंदर वृक्ष होता है, विदेशों में, यूरोप में जाएंगे तो एक से एक सुंदर फूल, एक से एक सुंदर वृक्ष मिलेंगे। आपको भारत में भी फूलों की घाटी में इतने सुंदर सुंदर फूल मिलेंगे कि वे फूल गुजरात में नहीं उग पाएंगे। और रास के वर्णन में नित्य वृंदावन में जिन वृक्षों का, लताओं का नाम लिया गया है, अधिकतर वो गुजरात, राजस्थान में पैदा होते हैं, वो हिमालय में नहीं पैदा होते। आप सोचिए ऐसा क्यों किया गया? ऐसा मत समझिए कि नित्य वृंदावन में केवल गुजरात के ही वृक्षों की शोभा उगाई गई है।
वहां तो सब कुछ अनंत में है। मिराज का जीव जिन जिन संस्कारों में पला है, जैसे जैसे भाव आते जा रहे हैं कि संसार में वैसा होता है, वाणी वहां उतरी है तो वहां के भावों के अनुकूल उतरी है, क्योंकि शब्दातीत निधिलाए शब्द में मिट्यो सबन को अंधकार। इस संसार में जो कुछ भी दृष्टांत मिल सकता है उसके माध्यम से वर्णन किया गया। मैं अभी प्रेम की 10 स्थितियों का वर्णन कर रहा था। 10वें में शरीर छूटता है। शरीर छूटने का मतलब क्या होता है? जो पहले आप मुर्दे हुए तिंदोनी करी मुर्दार, हक तरफ हुए जीवते उड़ पहुंचे नूर के पार। जो मर जाएगा वही परम धाम देखेगा। इसका अर्थ ये नहीं होता कि आपको मरना पड़ेगा, मन से मरना पड़ेगा, शरीर से नहीं। शरीर से तो आप लाखों बार मर चुके हैं और लाखों बार आप जन्म ले चुके हैं, मन से एक बार भी नहीं मरे हैं। इसलिए राज जी कहते हैं, पहले पीत शरबत मौत का कर तहकीक मुकर्रर, मुए पीछे हो मुकाबिल तो मजकूर कर खिलवत। खिलवत की बात कब की जाएगी? मुए पीछे हो मुकाबिल, मरने के बाद तुम खिलवत की चर्चा करने के योग्य हो सके। कोई कल आपने सुना था ना खिलवत की चर्चा। खिलवत का रस किसको मिलेगा? जिस संसार से मर चुका है, जिसको संसार की कोई चाहत नहीं रह गई है, वही खिलवत की चर्चा सुनने के योग्य है, खिलवत का वर्णन करने के योग्य है। और आगे बढ़ेंगे तो परिक्रमा ग्रंथ में पहली चौपाई शुरू होती है, अब कहूँ रे इश्क की बात इस शब्दातीत साक्षात। आप सोचिए परम इश्क के मार्ग पर कौन चलेगा? ना ही कथनी इश्क की और कोई कथियो जिन, इश्क तो आगे चल गया शब्द समाना सो। जहां शब्द है वहां प्रेम नहीं, जहां प्रेम है वहां शब्द नहीं। शब्दों में वाणी को व्यक्त किया गया है, आखिर किस लिए? असंभव को संभव बनाया गया है, हमारे मस्तिष्क को किसी भी तरह से परम धाम में लगाना है। अक्षरातीत अपने हृदय को दर्शाना चाहते हैं, परम धाम तो है नहीं, क्योंकि परम धाम के कणकण में वहदत है। वहदत में निरूपण नहीं हो सकता, वहदत में बताएं कैसे? वहदत में सभी डूब जाते हैं, इसलिए बताने वाला भी डूबा है, जिसको बताया जाएगा वो भी डूबा है, कौन किसको बताएगा? इस माया के संसार में एक अज्ञान में भटक रहा है, अज्ञानता में भटकने वाले को ही तो कुछ बताया जा सकता है कि देखो ये बात है। जहाँ सबके अंदर समान ज्ञान है, सबके अंदर समान प्रेम है, सबके अंदर समान सौंदर्य है, सब में एकत्र क्रीड़ा कर रहा है, ऐसे परम धाम में कुछ भी निरूपित नहीं हो सकता कि परम धाम के प्रेम की यथार्थता क्या है। परम धाम का वहदत का जो मारिफत है, परम धाम की वहदत का मारिफत, एकत्व की मारिफत, सर्वोच्च स्वरूप क्या है? अक्षरातीत के दिल की वास्तविक पहचान हम परम धाम में नहीं कर सकते थे। हम कौन हैं पूछा जाए, हम कौन हैं? आप कह देंगे कि हम राज्य की अर्धांगिनी है। वाणी कहती है, पर हक के दिल के अंग जो धनी सो तो तुम्हारा अर्श, देखे सुने बातें सुने लेवे तुम्हारी वाणी की खुशबू है। परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां अक्षरातीत का ही दिल है। राज्य के दिल के अतिरिक्त परम धाम में और कुछ नहीं है। जो आपको मानिक पहाड़ दिख रहा है, प्रसंग चल रहा है हौज कौसर ताल का। मानिक पहाड़ का जब वर्णन कर दिया जाएगा तो ये बात कही जाएगी कि एक माणिक के नग में पूरा मानिक पहाड़ बना है। जो भी गणना होगी 12,000 की संख्या बांध ली गई है, 12,000 गोल हवेली, 12,000 चौरस हवेली, 12,000 थम खिड़कियाँ, ये अलमारियाँ भी 12,000, खाने भी 12,000, मिठाइयाँ भी 12,000, हिंडोले भी 12,000। किस लिए? कि समझने में हमको एक सरलता मिल जाए। ऐसा नहीं कि 12,000 ही है, जहाँ तक मैं समझता हूँ सब कुछ अनंत में है। कहीं माणिक पहाड़ को माणिक के रंग में दर्शाया गया है, पीले रंग की आभा वाला जो सौंदर्य दिख रहा है, जो पर्वत दिख रहा है, उसको हम पुखराज के रूप में कह रहे हैं कि दुनिया में पुखराज सबसे सुंदर होता है। हीरे में पीलेपन की जो आभा है वो पुखराज है, सफ़ेद रंग की जो आभा है पत्थर में उसको कहते हैं हीरा। हम रंगमहल को किसी और में दर्शाते हैं, लेकिन ये बताइए परम धाम को क्या रंगों की सीमा में बांधा जा सकता है?
रंग रंग में तरंग है, तीन तरंग तरंग कई रंग, एक एक रंग से अनेक रंगों की किरणें निकलती हैं और एक एक किरण में अनंत रंगों का प्रकाश झलकता है। हमारे समाज में तो जरा सी बात पर झगड़ा हो जाता है कि दीवार का रंग हरा है कि नीला है। अरे भाई, पाक होत कई कोट पल में, एक पल में पाक के करोड़ों रूप हो जाएंगे। दीवार का रंग नीला है कहिए, हरा कहिए, कोई अंतर नहीं पड़ता। कुछ गुजराती का में जिसको नीला कहते हैं उसको लीला कहते हैं, लेकिन परिक्रमा की भाषा गुजराती भाषा में नहीं है, हिंदुस्तानी भाषा में है। इजार जो नीली लाई की, तापर झलके दावत, हरी झाई आवत नजर। नीले और लाल को मिला देंगे तो हरी आ पाएगी। एक ही चौपाई में नीला शब्द भी है और हरा शब्द भी है, इसलिए रास ग्रंथ में जब लीला शब्द आएगा तो उसका अर्थ आप हरा कर सकते हैं। लेकिन जब सागर श्रृंगार और परिक्रमा की बात आएगी, कोई आवश्यक नहीं कि नीला का अर्थ हरा ही करेंगे। राज्य रंगों से बधे हुए नहीं है, चाहे मुकुट का श्रृंगार हो, वस्त्र का श्रृंगार हो, हर रंग हर पल अनंत रंगों में बदल रहा है। यदि उसको सीमाबद्ध कर दिया गया तब तो आपने राज्य के दिल को ही माप लिया, और जो राज्य के दिल को किसने मापा? यदि राज्य बंधन में आ गए तब तो अनंत नहीं कहलाए, वो अक्षरातीत क्यों कहलाएंगे? इसलिए जैसे गंगोत्री से गंगा की धारा निकल रही है, एक चम्मच को होठों पर रखकर हम कहते हैं कि कितना सुंदर मीठा जल है, उसी तरह से अनंत परम धाम को परिक्रमा ग्रंथ में दर्शाने का प्रयास किया गया है। हमें एक सीमा नहीं बांधनी चाहिए कि बस ऐसा ही है, क्योंकि जैसे आप परिक्रमा में एक चौपाई आती है, श्याम श्वेत के बीच में सीढ़ियाँ शोभित, बहुत साथ इताय के चढ़ उतर करत। अरे भाई, आप यहाँ भोजन बनाते हैं तो पहले धुएँदान की अच्छी व्यवस्था नहीं होती थी, कालिक हो जाती थी। परम धाम में जहाँ भोजन पहले तो बनाया नहीं जाता, और बनाया लीला रूप में बनाया भी जाएगा तो वहाँ कालिक नहीं होगी कि वहाँ श्याम रंग ही होगा, उसका रंग पीला भी हो सकता है, सफ़ेद भी हो सकता है, क्योंकि वो नूरी है। न वहाँ भोजन बनाया जाता है न खाया जाता है। खाना दीदार इनका, यासो जीवे लेवे श्वास, दोस्ती इन स्वरूप की तीन से मीटत प्यास। ये भोजन का वर्णन क्यों किया गया? प्रातःकाल जलपान का भी वर्णन है, दोपहर स्वयं का भी वर्णन है। ये क्यों किया गया है? क्योंकि हमारी बुद्धि इन चीज़ों को आसानी से ग्रहण कर लेगी। यदि ऐसा नहीं वर्णित किया जाए तो प्रश्न उठता है, देखिए आप माया के संसार में आए हैं, यहाँ हर मनुष्य की बुद्धि अलग अलग है। यदि राज्य कोई लीला करते हुए न दिखाया जाए तो यही कोई प्रश्न कर सकता है प्रवाही, कि क्या आपके सच्चिदानंद अक्षरातीत चुपचाप बैठ करके अपने अंगनाओं को केवल देखते ही रहते हैं, इसी को ब्रह्मलीला कहेंगे? तो क्या उत्तर देंगे? इसलिए मनुष्य अष्ट पहर 64 घड़ी में जो करता है, एक चक्रवर्ती सम्राट कैसे, जो वैभवशाली है, सोने के महल में रहता हो, कैसे कैसे खाता पीता है, उसी आधार पर राज्य को भी दर्शाने का एक छोटा सा प्रयास कर सकते हैं। पूरा वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि इष्ट शब्दातीत, परम धाम का सौंदर्य शब्दातीत, परम धाम की लीला शब्दातीत, किस जीवा से किस बुद्धि से उसको व्यक्त किया जाए कि परम धाम की लीला ऐसी कही ऐसी होती है। इस लीला का रिस्पान तो उनके हृदय में ही डूब कर किया जा सकता है। जिसने उस हृदय में डुबकी लगाई वो जानेगा कि यमुना जी में जो जल की धारा बह रही है वो पंचभूतात्मक जल नहीं है, वो अक्षरातीत के हृदय का बहता हुआ रस है, जिसको 10 धाराओं में इसलिए दिखाया गया है कि संसार में प्रेम की गहन स्थिति को 10 धाराओं में 10 स्तरों पर विभाजित किया जाता है, और जो मर जाता है, संसार से परे हो जाता है, वो परम धाम के दर्शन का अधिकार प्राप्त कर लेता है। राज्य के प्रेम को समझना है तो मन से मरना होगा, तभी खिलवत में वाणी स्पष्ट रूप से कहती है कि जो न मरेंगे मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफक, मरना पड़ेगा, मुनाफक नहीं मरेंगे और परमधाम की ब्रह्म सृष्टि मरेगी।
मोमिन, मुत्की और मुनाफक। मुनाफक जानते हैं किसको कहते हैं? जीवों को कहते हैं। मुत्की कहते हैं ईश्वरीय सृष्टि को, और मोमिन ब्रह्म सृष्टि। जितने सुंदर साथ हैं कितने मर चुके हैं? यदि आप में से किसी को कह दिया जाए कि जाओ तुम मर जाओ, तो कहेगा कि मुझे श्राप क्यों दे रहे हैं कि मैं मर जाऊं, मैं तो जीवित रहना चाहता हूं। जीवते मारिए आपको, धनी ने शर्त लगा दी है, जीवते मारिए आपको शब्द पुकारत हक, राज्य की वाणी कह रही है कि जीते जी मर जाओ। जीते जी मर जाओ यानी तृष्णाओं से अपने को परे कर लो कि संसार में कोई सार नहीं है, सार है तो एक राज्य का प्रेम। लेकिन आप कितने भी चर्चा सुन लीजिए, अभी थोड़ी देर के बाद भोजन का समय होगा, आपका मनपसंद नहीं भोजन बना तो नाक भौं सी उड़ते हैं, कोई कहेगा कि ऐसा नहीं बना, कोई कहेगा कि ऐसा नहीं बना। एक छोटा सा भोजन आपको व्याकुल कर दे रहा है, आपकी मनपसंद चीज़ नहीं मिलती है तो आप व्याकुल होते हैं, तो आप मरे हुए कैसे हैं? जीवते मारिए आपको, आपके सामने क्या आ रहा है ये आपका विषय नहीं है। आप उपेक्षा दृष्टि से संसार में रहिए। दुरुसा ऋषि के पास पकवान भी आते हैं तो दूब समझकर ही खाते हैं, क्योंकि उनका आहार ही दूब था। आप छोटी छोटी बातों में यदि विचलित हो जाएंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि अब मर चुके हैं। इसलिए मृत्यु कब होगी? जब राज्य के प्रेम में डूब जाएंगे। वही बात मैं कह रहा था, यमुना जी के किनारे सात घाटों को दर्शाने का आशय यही है कि मन की सात वृत्तियां होती हैं, मन के धरातल पर प्रेम की गति आगे बढ़ती है। हौज कौसर में चार घाटों का वर्णन है, 16 थंबों का घाट, 16 देवरी का घाट, 9 देवरी का घाट और पश्चिम का घाट, ये सारे वर्णन आपको सुनने में मिलेंगे। उसकी शोभा का वर्णन आपको सुनाया जाएगा। कुरान की 30वें पारे की इन्ना आतेना सूरत में हौज कौसर का वर्णन किया गया है कि परम धाम में मोहम्मद साहब ने अति सुंदर हौज कौसर को देखा। उसको कल कौसर करके लिखा है। वो क्या है? हीरों का वो बना हुआ है, मोहम्मद साहब वर्णन करते हैं, और उसके किनारे देहोरिया है। सनद में भी ये प्रसंग आया है, कुरान में संकेतों से कहा गया है। जब आप हिंदू धर्म ग्रंथों की तरफ चलेंगे तो पुराण संहिता और महेश्वर तंत्र में इसकी अच्छी झलक दिखाई गई है। उपनिषदों की तरफ चलेंगे तो छांद्योग उपनिषद में इसको मदीयम सरह कहकर संबोधित किया गया है। मदीयम सरह का तात्पर्य क्या होता है? आनंदमयी सरोवर, ऐसा सरोवर जिसमें केवल आनंद ही आनंद है। और मदीयम सरह कौन है? परब्रह्म। मदीयम सरह के रूप में, हौज कौसर के रूप में कौन क्रीड़ा कर रहा है? स्वयं अक्षरातीत। हौज कौसर को जड़ न समझिए, वहां का एक एक कण आपसे वार्ता करेगा। कौन किससे वार्ता कर रहा है? परम धाम की हर वस्तु राज्य का ही स्वरूप है। वहां की धरती, आकाश, हवा, वृक्ष सभी राज्य के हृदय के व्यक्ति रूप है। सखियां राज्य के हृदय का स्वरूप है। जब इस सृष्टि में जो कुछ दिख रहा है सभी नारायण का स्वरूप है, तो परम धाम में जो भी है राज्य के स्वरूप क्यों नहीं है? हमसे एक भूल क्या होती है कि हम स्वयं को संसार के धरातल पर देखने लगते हैं। हम स्वयं को दुखी मानते हैं, स्वयं को सुखी मानते हैं। सांसारिक वस्तुओं की उपलब्धि से हम इतरा जाते हैं। जब ये वस्तुएं हमसे छीन ली जाती हैं तो हम बिलखने लगते हैं कि ये वस्तु हमसे क्यों छीन ली गई, और हम ये भूल जाते हैं कि हम भी अक्षरातीत के अंग हैं। राज्य यह बताना चाहते हैं कि परम धाम की आत्माओं, कल मैंने थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास किया था कि हम हैं कौन। आप जो हैं उससे अलग हट करके सोचेंगे तो वहीं से भटकाव शुरू हो जाता है। आपने जहां सोचा कि मैं हड्डी मांस का एक शरीर हूं, मनुष्य हूं, माया आपको दबोचने लगती है। आप अपनी भावना में ये रखिए कि मैं परम धाम की ब्रह्मात्मा हूं, परात्मा हूं, अक्षरातीत का हृदय हूं। जब अक्षरातीत के आप हृदय हैं तो आपसे अधिक प्रेम राज्य किसी से नहीं कर सकते। आपका हौज कौसर भी राज्य का स्वरूप है। जिमी जात वी रू की रू जात आसमान, धरती, आकाश, हवा सब कुछ आत्मा का स्वरूप है। आत्मा अपने प्राणेश्वर को रिझा रही है।
अक्षरातीत का हृदय ही अंगनाओं के रूप में है। आप इसको मोटे मोटे तौर पर समझ लीजिए, कोई माँ या पिता अपने बच्चे से बहुत प्रेम करते हैं तो दूसरे को परिचय कराते समय क्या कहते हैं, मस्ती में होते हैं तो कहते हैं यह मेरे हृदय का टुकड़ा है। मित्र मित्र भी कह देता है, पति भी पत्नी को कहता है कि तुम मेरे हृदय की स्वामिनी हो, यानी मेरा हृदय तुम ही हो। ये बातें तो समझ में आती हैं, लेकिन जब हम परम धाम से स्वयं को नहीं जोड़ते, अपने निज स्वरूप का बोध नहीं होता, तो हम ये मानने के लिए तैयार नहीं होते कि हम भी अक्षरातीत के हृदय हैं और कोई किससे किससे प्रेम करता है। उपनिषद में एक वाक्य आता है, आत्मनः तु वै कामाय सर्वं प्रियं भवति। हर कोई अपने से प्रेम करता है। मैं एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं, तभी यह सिद्धांत समझ में आएगा कि कौन किससे प्रेम करता है। दो युवक युवती होते हैं, दोनों किसी को नहीं जानते। जब विवाह हो जाता है, घनिष्ठता बढ़ जाती है, या विवाह से पहले भी प्रेम हो जाता है, तो क्या कहते हैं, तुम मेरे हृदय हो। आपके घर बच्चे का जन्म होता है, जन्म से पहले उस बच्चे के बारे में आपको कुछ पता नहीं कि आपके घर उस बच्चे ने जब जन्म लिया था, इसके पहले वो कहाँ जन्मा था, किस योनि में था। पशु पक्षी की योनि में रहने वाला जीव आपके घर बच्चे के रूप में जन्म ले लेता है, तो क्या कहते हैं, तुम तो मेरे हृदय के टुकड़े हो। आप सोचिए, कई सच्ची घटनाएं हुई हैं कि दो व्यापारी थे, एक व्यापारी ने धोखे से उसको जहर दे दिया, वो व्यापारी उसके घर पुत्र के रूप में जन्मा। और ये झूठी कहानी नहीं, एक सच्ची घटना है जो एक महात्मा ने स्वयं सुनाई थी। उन महात्मा के पास काफ़ी लोगों की भीड़ रहा करती थी और उसने अपनी व्यथा बताई कि मैं पूर्व में एक महात्मा बनने से पहले एक व्यापारी था, मैंने अपने ही व्यापारी मित्र को जहर देकर उसका सारा धन अपहरण कर लिया। कुछ समय के पश्चात मैं धनवान सेठ बन गया, मेरे घर पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र जब युवक अवस्था में प्रवेश किया तो अचानक एक दिन बीमार पड़ गया, उसका इलाज कराते कराते मेरा सारा धन समाप्त हो गया। एक दिन रात को लगा कि वो मरने वाला है, मैं उसके पास सोया हुआ था। रात्रि के समय अचानक मुझे लगा कि कोई मुझे दबा रहा है। जब मैंने अपने बेटे की तरफ देखा तो उसकी आंखें लाल थी, कह रहा था कि पहचाना मुझे, मैं वही सेठ हूँ तुम्हारा मित्र जिसको तुमने जहर दे करके मार दिया था, अब मैं बदला लेने के लिए तुम्हारे पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ हूँ। आप सोचिए, एक शत्रु को अपने हृदय का टुकड़ा आप यहाँ बना लेते हैं, लेकिन सारी वाणी पढ़कर भी आप स्वयं को अक्षरातीत का हृदय मानने से इनकार कर देते हैं। आप सोचते हैं कि राज्य किसी विशेष को अपना हृदय मान सकते हैं, हमारे ऊपर तो कृपा है नहीं क्योंकि हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास रूप नहीं है, हम झोपड़ी में रहने वाले हैं, हमारे पास कोई बड़ा पद नहीं है। आप अपना मूल्यांकन इसी से करते हैं। आप अपनी आत्मा के स्वरूप को देखिए और तब समझिए कि आप कौन हैं। जब आप स्वयं को राज्य का हृदय समझेंगे तो आप भी राज्य को अपना सर्वस्व समझेंगे। ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजा करती। यदि आप राज्य का प्रेम चाहते हैं तो आपको भी राज्य का प्रेम, राज्य से प्रेम करना पड़ेगा। आप राज्य पर आरोप नहीं लगा सकते कि राज्य ने इंद्रावती जी को प्रेम दिया, हमें तो प्रेम नहीं दिया, इंद्रावती को अक्षरातीत बना दिया, हमको तो नहीं बनाया। सबको अधिकार है। महामती जी की आत्मा ने जितना त्याग किया, समर्पण किया, आप समूह ऐसा भी करने को तैयार नहीं, पुनः आपको अधिकार कैसे मिल सकता है। आप भी उनकी तरह अटूट विश्वास, ईमान, समर्पण, प्रेम, विराग का मार्ग अपनाइए। राज्य तो सबके हैं क्योंकि सभी ब्रह्मात्माएं उनकी प्राणेश्वरी हैं, उनकी हृदयेश्वरी हैं, उनके हृदय स्वरूपा है और वे सबके प्राणनाथ हैं। जब इस भाव को समझ लेंगे तो ये लगेगा कि हौज कोसर कोई इस दुनिया जैसा नहीं है, इस संसार में भी चार घाट बनाए जा सकते हैं। काफ़ी कुछ, आप दुबई में चले जाइए तो कई कई सौ मंजिले बिल्डिंगें हैं, उनको बनाने वाले जितने भी इंजीनियर होंगे, आर्किटेक्ट होंगे, हौज कोसर का नक्शा बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने हौज कोसर बना लिया। मोमिन अर्श वका बिना रह न सके एक पल,
जो हौज कौसर की मछली तिन हयाती वजल, तो क्या आप परमधाम की मछलियाँ हैं? आप बताइए, आप तो मूल मिलाव में बैठे हैं। इस चौपाई में तो कहा गया कि जो हौज कौसर की मछली तिन हयाती वजल, मूल मिलावे वाली परमधाम की आत्माएं यहाँ हौज कौसर की मछलियाँ कहला रही हैं। हौज कौसर क्या है? बातिनी रूप से हौज कौसर एक अक्षरातीत का उमड़ता हुआ हृदय भर हृदय है, जिसमें अनंत प्रेम रूपी जल क्रीड़ा कर रहा है। पुखराज पहाड़ से निकलकर हौज कौसर में स्थिर होने वाला जल क्रीड़ा कर रहा है, और उसमें मछली की तरह परमधाम की आत्माएँ क्रीड़ा करती हैं। इस भाव को जब समझेंगे तो आपको हौज कौसर की शोभा बहुत प्यारी लगेगी। इसीलिए महामती जी ने कहा है, जो जागो सो देखियो मेरी तो निशा भाई। मैंने चार घाटों का वर्णन कर दिया, मैं तृप्त हो चुकी हूँ वर्णन करके, मैं देख देख कर अब तृप्त हो रही हूँ। जो जागो सो देखियो, आप भी जागृत होकर हौज कौसर के चारों घाटों की शोभा को देखिए। आप चर्चनी को प्रेम के धरातल पर ढालिए, अन्यथा ये केवल शुष्क ज्ञान बना रह जाएगा, एक ऐसा ज्ञान जिसमें लगता है गणित की प्रधानता है। सब चर्चनी के विद्वान प्राय गणना को रटा देते हैं, और जो भाव प्रधान वाला होता है उसको एक बहुत झंझट लगता है कि इतनी गणना कैसे याद करें। गणना किसके लिए है? जिसका मस्तिष्क गणित प्रधान हो, भाव प्रधान वाले की नहीं है। भाव प्रधान वाले के लिए भाव में डूबना पड़ेगा, सेवा प्रधान वालों के लिए लीला में डूबना पड़ेगा, और जो प्रेम प्रधान वाले हैं उनको शोभा में डूबना पड़ेगा। इसलिए चर्चनी में या परिक्रमा ग्रंथ के अंदर सारे भावों को लेकर के वर्णन किया गया है। किसी भी माध्यम से आप राज्य के दिल में स्वयं को डुबाने का प्रयास कीजिए। जब आप ऐसा कर लेंगे तो जैसे एक मछली समुद्र में विचरण करती है, पता नहीं चलता कि समुद्र कितना गहरा है। राज्य के हृदय में आप स्वयं अपनी आत्मा को मछली मानकर के डुबो दीजिए। राज्य के हृदय को हौज कौसर ताल का एक अनंत सागर मान लीजिए, और स्वयं की आत्मा को उसमें क्रीड़ा करने वाली मछली मान लीजिए। तैरते रहिए, फिर ये संसार क्यों दिखेगा? तभी तो कहा है, नहाइए हक के जमाल में तब हुई निर्मल। राज्य की शोभा में आप नहाइए, तभी तो वाणी कहती है, खाना दीदार इनका, इनका भोजन क्या है? राज्य का दीदार। यासों जीवे लेवे श्वास, उस दीदार पर ही इनका जीवन निर्भर है। श्वास भी ले रही है तो केवल राज्य के दर्शन के लिए। श्वास इस संसार में लिया जाता है, परमधाम में श्वास लेने की जरूरत नहीं है। वहाँ हृदय की धड़कन नहीं चलती है, यहाँ तो श्वास बंद हो जाए तो मृत्यु होती है। परमधाम में कोई मरेगा ही नहीं। सर्वशक्तिमान अक्षरातीत भी चाहें कि 12,000 में से कुछ को मार दूं और कुछ नए पैदा कर लूं, तो वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसको मारेंगे? उनके अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं। अपने हृदय को कोई मार नहीं सकता, अपने हृदय में कोई घटा बढ़ा नहीं सकता, सब कुछ अनंत है। इसलिए हौज कौसर की शोभा को समझने से पहले हमें भावना को समझना होगा कि हौज कौसर कोई पानी का कुंड भर नहीं है, वो तो हमारी बुद्धि समझ में आ जाए। वहाँ के हिंडोलों को दुनिया के हिंडोले न समझिए। जैसे गुजरात में हर घर में हिंडोले लगे रहते हैं, या उत्तर भारत में सावन के महीने में हिंडोले लगाए जाते हैं, फिर वो सावन के बाद उतार कर रख दिए जाते हैं। मानिक पहाड़ के हिंडोलों को संसार के हिंडोलों से मत समझिए। वे हिंडोले आत्मा के स्वरूप हैं, जो अपने ऊपर युगल स्वरूप को बैठाकर, सखियों को बैठाकर रिझा रहे होते हैं। उन हिंडोलों में स्वयं राज्य का ही स्वरूप है, जो सखियों को अपने ऊपर बिठाकर आनंदित हो रहा है। इसलिए समर्पण की पराकाष्ठा कौन है? स्वयं अक्षरातीत। राज्य हमारे ऊपर समर्पित होते हैं, हम समर्पित नहीं होते हैं। रास में एक चौपाई आती है, चर्चा सुन जो दिन ने रात। हम चर्चा सुने, सुन करके हृदयंगम करें और आचरण में उतारने का प्रयास करें। क्यों? हमारा लक्ष्य क्या है? आपण ने त्रुटा प्राणनाथ। हमको इस जागनी ब्रह्मांड में प्राणनाथ जी पर, अक्षरातीत पर, अपने प्राणेश्वर पर फिदा होना है। राज्य तो पल पर हमारे ऊपर फिदा है, हम कभी फिदा नहीं हुए, सच है।
परमधाम में रब्द का कारण क्या था? हम आप पर, हम आप से प्रेम करते हैं, हमारा समर्पण बड़ा है, हमारा प्रेम बड़ा है। परमधाम के वहदत में कौन बड़ा कौन छोटा, इस संसार में भी अभी भी हमारा दावा सबसे ज़्यादा है। एक घंटे आँख मूंद लेते हैं, राजी पर 100 तोहमत लगा देते हैं कि 2 साल होते हो गए चितवनी करते हुए राजी ने दर्शन नहीं दिया। राजी तो हर पल 24 घंटे आपकी चितवनी करते हैं। राजी को आंखें बंद नहीं करना पड़ता, लेकिन मूल मिलावे में आपके तनों को हर पल देखते हैं, यहाँ के तनों को हर पल देखते हैं। ये 2 तन तले कदम के आत्म पर आत्म, एक पल भी अलग नहीं करते। और आप तो चत वाणी का ज्ञान पाने से पहले उम्र के कितने साल गुजार चुके हैं, बहुत मुश्किल से 1-2 घंटे रो करके, मजबूरी में कहिए या भय में कहिए, आप राज्य के लिए आंखें बंद कर लेते हैं तो राज्य के प्रेम को छोटा बना देते हैं कि राज्य आप हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, मैं इतने समय से आपकी चितवनी कर रहा हूँ, मैंने मेहर सागर के पाठ पढ़े, आपके लिए 1000 रुपये खर्च करके हमने पारायण करवाए, फिर भी आप कृपा नहीं कर रहे हैं। आप सोचिए, आप अपने प्रेम की हंसी करा रहे हैं, अपने समर्पण की हंसी करा रहे हैं, आप राज्य पर कभी भी पूर्ण रूप से फिदा नहीं हो पाए, क्योंकि वह पूर्णात पूर्ण है। आपका प्रेम तभी बड़ा कहा जाएगा जब आप खिलवत के प्रारंभिक 5 प्रकरणों को समझ लेंगे कि मारिया कहिया काढ़िया कहिया और कहिया हो जुदा, यही मैं खुदी टले तो बाकी रहिया खुदा। आप क्या करते हैं ये आपका विषय नहीं है। आप प्रेम करते हैं तो ढिढोरा क्यों पीटते हैं कि मैं राज्य के लिए ये कर रहा हूँ, मैं राज्य के लिए ये कर रहा हूँ, राज्य मेरी सुन नहीं रहे। इसका अर्थ यह है कि राज्य पक्षपात कर रहे हैं ना। आप इन शब्दों से तो राज्य को पक्षपात ही ठहरा देते हैं। आप प्रेम की तरफ 1 कदम बढ़ाते हैं, राज्य 1000 कदम बढ़ाते हैं। आप इस बात को याद रखिए, आप राज्य के लिए समर्पित नहीं हैं, आप दूसरे पति बना लेते हैं, दूसरी पत्नियां बना लेते हैं, मित्र बना लेते हैं। राजी आपको छोड़कर तो किसी को कुछ नहीं बना सकते, परमधाम में एक को भी घुसा नहीं सकते। क्या आपने कभी राजी के प्रेम को समझा है? इस कारण यदि हम राजी के हृदय को समझ जाएंगे तो पूरी खिलवत की वाणी समझ में आ जाएगी, परिक्रमा समझ में आ जाएगी, सागर और श्रृंगार समझ में आ जाएगा, आप स्वयं के स्वरूप को समझ जाएंगे कि हम कौन हैं। इसलिए अब कहूँ मैं ताल की, इंद्रावती जी की आत्मा हौज कौसर ताल का वर्णन कर रही है। अंदर आए सको सुआओ। अब एक चुनौती है, अंदर आए सको सुआए। जो परम धाम की ब्रह्मात्मा हो वो अंदर आना चाहे तो उसके लिए दरवाजा खुला हुआ है। हौज कौसर की शोभा को कौन देखना चाहेगा? केवल परम धाम की ब्रह्मात्मा। और ब्रह्मात्माओं के लिए चुनौती दी जा रही है कि जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हो उस हौज कौसर की शोभा को देखे, अपने हृदय में बसाए। मेरा समय पूरा होता है, मैं हौज कौसर के वर्णन के संबंध में इस प्रकरण की 1 चौपाई के 2 चरणों पर थोड़ा बहुत कह सका हूँ। वैसे तो सब कुछ अनंत है, उस अनंत के सागर में राज्य की कृपा दृष्टि से कुछ शब्द निकल पाते हैं, आप उसको हृदयंगम कीजिए और एकांत में बैठकर आत्मचिंतन की गहराइयों में उतरिए कि हमारे जीवन का हर पल बीता जा रहा है, शायद इस समय की कीमत को हम नहीं जान सकते। यदि हम समय की कीमत को जान जाएं तो हम 1 मिनट भी व्यर्थ की चीज़ों में नहीं कमाएंगे और उठते बैठते सोते जागते हमारे हृदय में केवल युगल स्वरूप की छवि बसी रहेगी, और उतना ही प्रयास हम सारे संसार को इस स्तर पर ले चलने के लिए करेंगे। अब जब बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, अब कहूँ मैं ताल की, अंदर आए सकू सुआओ, जो होवे रूह अरस की, फिर ऐसा न पावे दाओ, फिर ऐसा न पावे दाव। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।